हाँ भाई, आज हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात आई, व्हाट इज मार्केट। मार्केट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कोई फिजिकल प्लेस होगा जहाँ पर हम कोई थिंग्स या कोई कोर्स, कोई भी कुछ भी चीज़ परचेज करके लेके आएंगे। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं। वो आपका फिजिकल प्लेस भी हो सकता है, वो थ्रू इंटरनेट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, थ्रू टेलीफोन भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट मार्केट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं। बायर अपनी चीज़ें परचेज करता है अपने अकॉर्डिंग और सेलर उसको बेचने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद क्या है आपके पास, मार्केट जो होता है ना, इसको हम जब डिवाइड करते हैं मार्केट को, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक होता है परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट अगर आपने सुना हो, और एक होता है आपका इम्परफेक्ट, और एक होता है मोनोपोली। परफेक्ट का मतलब हम डिस्कस करेंगे, मार्केट के टाइप्स सुन लो। नहीं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट दो ही है आपके पास, एक मोनोपोली अलग हो गया ऐसा मार्केट जहाँ पर एक ही शेयर है। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है आपका जहाँ पर आपके किसी भी होमोजीनियस प्रोडक्ट, मेरा वर्ड सुनना, होमोजीनियस प्रोडक्ट के डिफरेंट बायर, सॉरी मैनी बायर्स और मैनी सेलर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ना प्रोडक्ट सेम है और बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। मान लो किसी ने 10 रुपये, मान लो किसी चीज़ के प्राइसेस 10 रुपीज़ है, और वो 10 रुपये 10 पैसे कर दे, तो आप क्या परचेज करोगे उससे? आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप 10 रुपये में ही दूसरे से परचेज कर लोगे। ठीक बात है, उसकी सेल डाउन चली जाएगी। ठीक, ओके। अब बहुत सारे हैं, बताओ मेरे को कि वो प्रॉफिट कैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा कमाएंगे या नॉर्मल सा प्रॉफिट कमाएंगे? नॉर्मल से कमाएंगे। ठीक है, अब वो 10 से थोड़ा सा प्राइसेस कम कर ले, 9.90 पैसे कर ले, अब उसको होगा लॉस, सारे उधर ही आ जाएंगे, उधर ही आ जाएंगे। तो अब मतलब उसको अपना आउटपुट है वो, मतलब क्या बोलते हैं कि प्राइस करने में भी कोई फायदा नहीं, उससे लॉस हो रहा है, प्राइस बढ़ाने से उसके कस्टमर जा रहे हैं। तो यानी वो क्या कर सकता है, एक आउटपुट तो डिसाइड कर सकता है कि कितनी बेचनी है, लेकिन प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। तो एक बात याद रखना कि परफेक्ट जो कंपटीशन होता है उसमें जो आपकी फर्म होती है वो हमेशा प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि कितना प्राइस लिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है ना, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जहाँ भी बना वही आपकी प्राइसेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या है, मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, बिल्कुल है, ध्यान से देखना। अभी सारे यहीं पर आप सबको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, मोनोपोली इम्परफेक्ट लिखा हुआ है, इम्परफेक्ट में अभी सारा देख लेंगे कि किसका क्या होता है। मैं मीनिंग सभी को यहीं बता देता हूँ, एक बार आगे डाउट नहीं होगा। मैनी बायर्स मैनी सेलर, आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स में से एक है। ठीक है, फर्म्स आर ओनली प्राइस टेकर, मैंने अभी बताया आपको कि फर्म ना प्राइसेस बढ़ाएगी तो नुकसान में है, प्राइसेस कम करेगी तो भी नुकसान में है। ठीक है, प्राइसेस बढ़ाएगी तो उसकी सेल ही नहीं होगी। इसलिए देखो, अगर आपको याद हो, आपने इस तरीके का ग्राफ देखा होगा परफेक्ट, मगर थोड़ा बहुत अगर रिकॉल कर पा रहे हो आप, ऐसा ही क्यों होता है। और ये इलास्टिसिटी आपके देखो ना, इन्फिनिटी तक है, ये भी देखो आप इन्फिनिटी तक दिखा रहे हैं ना, ऐसे ही ग्राफ बनता है ना, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी तक, आप कोरिलेट करके चलना इलास्टिसिटी को भी। इसका मतलब क्या है, प्राइस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे ना, जीरो या इन्फिनिटी तक लेके चला जाएगा। प्राइस थोड़ा सा कम कर दो, इन्फिनिटी तक चेंज हो जाएगी, लेकिन इतना आउटपुट लाओगे कहाँ से? अगर आपने प्राइसेस कम किए तो लॉस होगा। ठीक है, प्राइसेस बढ़ाए तो जीरो पे ले आएगी तो भी लॉस है। यानी कि आप यहाँ पर फॉर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस टेकर, इंडस्ट्री आपकी प्राइस मेकर होगी, और वो कैसे बनाएगी प्राइसेस, इस तरीके से। आई समझ में? जहाँ पर भी डिमांड सप्लाई एक दूसरे की इक्वल होगी वही आपके प्राइसेस बन गए। ठीक है, और आपके इसके अलावा क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि भाई यहाँ पर ना कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या कि आपको मतलब एक जगह सारी चीज़ें मिल गई, कोई एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं करना, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है मतलब यहाँ पर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर परफेक्ट कंपटीशन है, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे, उतनी ही बिकनी है जितने आपने बेचना है, आपने सेल करनी है। और एक्चुअलिटी में ये जो परफेक्ट कंपटीशन है होता ही नहीं,
दिखा आपने एक जैसी चीजें, देखी कहीं पे भी देखी है? एक पूरा मार्केट है उसको एक 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 जैसे सारे सेलर बैठे हैं और क्वांटिटी सेम जगह बैठे, ऐसा होता नहीं है, है ही नहीं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा जाओ, इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले तो दिया किसने, ये दिया चैम्बरलेन। इम्परफेक्ट में देखो पहले टाइप देख लो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ड्यूपोली है, ठीक है? देखो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये सारी चीजें हैं, ये भी है आपके पास, और एक मतलब मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट है होमोजीनियस, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, मिलते जुलते होंगे। जैसे आपको पेन चाहिए, अब देखो आपके पास अलग पेन है, इनके पास अलग पेन है, मतलब बहुत सारे हैं आपके पास है, ठीक बात है ये? मतलब अब खाने की चीज़ है, कपड़े हैं, कपड़े के तो कितनी कंपनीज काम करती है, तो कपड़े ही लेकिन मिलते जुलते हैं। आप बात करते हो जींस, तो मतलब क्या है कि वो जींस है वो आपकी क्या है कि उसके कितने ही ब्रांडेड ले सकते हो आप, कितने ही कंपनीज के ले सकते हो, यानी कि उसके सब्सिट्यूट अवेलेबल होंगे लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, पहले मोनोपोली समझो, मोनोपोली में क्या है, एक सेलर मैनी बायर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकता है और आपका होमोजीनियस भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि होमोजीनियस प्रोडक्ट की, मान लो आपके जो ये है सेलर, मान लो पंतजी नहीं क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का है ये, तो चलो आपका होमोजीनियस ही प्रोडक्ट आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये कम ज़्यादा भी कर सकते थे वोल्टेज में, आप सभी को आपके घरों में एक जैसी वोल्टेज मिल रही होगी, है ना? वोल्टेज की बात करें, एक हाई वोल्टेजदार होती है तो वो अलग अलग भी कर सकती है कस्टमर्स टू कस्टमर, और सेम ही दे सकती है, आई भी नहीं बात समझ में। तो ये मोनोपोली होता कि इलेक्ट्रिसिटी में से अपने दो ही है, USB1 और DSB1, पता होगा ना आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है। मोनोपोली का अगर और भी आप बात करें, इंडियन रेलवे है, मोनोपोली है इसके पास, सर्विस एक जैसी दे रही है, अलग अलग दे रही है, अलग अलग तरीके की हैं, आप सेकंड क्लास में जा सकते हो, फर्स्ट AC में जा सकते हो, सेकंड AC में जा सकते हो, उसके अंदर की सर्विस ही सेकंड क्लास की एक जैसी मिलेगी आपको, सभी ट्रेनों की अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली में आपके पास एक फर्म है जो कि सेलिंग फर्म है, बाकी सब बायर है, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। बताइए मुझे क्या इसका पूरा कंट्रोल है सप्लाई पे? हाँ, मोनोपोली में सप्लाई पे पूरा कंट्रोल है, ठीक है, जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ये सप्लाई कर लेगा, मतलब इसको चेंज कर सकता है ना ये सप्लाई के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है ना, इसमें सप्लाई का भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये मन करेगा तो सप्लाई कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो क्या होता है मोनोपोली की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है कि यहाँ पर सप्लाई का होता ही नहीं है। क्या यहाँ पर इंडस्ट्री और फर्म अलग अलग होते हैं या सेम होंगे? क्योंकि एक ही फर्म है तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, तो क्या होगी, फर्म ही प्राइस टेकर है, फर्म ही प्राइस मेकर है इन द केस ऑफ मोनोपोली, ठीक है। दूसरा आया आप मोनोपोलिस्टिक, अब ये दोनों इसको देखो, परफेक्ट कंपटीशन और आपका मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इन दोनों को मिलाकर आपका बनता है, मैंने लिखा यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा मैंने क्या लिखा मोनोपोली, इसको मिलकर बना आपका क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों के मिलकर बना दिया। वहां पर क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, होमोजीनियस, देखो मैनी बायर मैनी सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो सकते थे इसमें परफेक्ट में, यहाँ पर होमोजीनियस भी हो सकता है डिफरेंशिएशन में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से ले ली, यहाँ से उठाया, यहाँ कर दी दोनों का बीच को, यहाँ बोल कर दिया परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और इस चीज को ना, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिक्स को मिलकर ये बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक बनाया, तो ये कहा जाता है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ये दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है, याद रखना, ये दोनों को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज फ्यूजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, रहेगी ये बात याद, ठीक है, ओके आगे आ जाइए। अब बात आई ओलिगोपोली की, ओलिगोपोली क्या होती है, जहां पर आपके ना फ्यू सेलर्स मैनी बायर्स, लेकिन ना क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल कार की कंपनीज है, आप मारुति की कार ले सकते हो, टाटा की कार ले सकते हो, किसी और की कार ले सकते हो, महिंद्रा की ले सकते हो। देखो क्लोज सब्सिट्यूट है ना, देखा है ना आपने, क्लोज सब्सिट्यूट मतलब क्रेटा कार है, इसका कुछ और सब्सिट्यूट होगा। आपको मान लो अल्टो लेने तो इसका कोई और सब्सिट्यूट होगा, मतलब किसी का भी उसी रेंज में आपको उस तरीके की मिल जाएगी, क्लोज सब्सिट्यूट है। अब देखो ध्यान से देखना ओलिगोपोली में क्या होता है, हमने कहा फर्म, फिर आपने कहा उसका ग्रुप को बोलते हैं इंडस्ट्री इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता इन द केस ऑफ मोनोपोली। जैसे आपका उसमें परफेक्ट में फर्म्स होती है उनके ग्रुप को आपने क्या बोल दिया, इंडस्ट्री बोल दिया, मोनोपोलिस्टिक में उसी ग्रुप को बोला जाता है ग्रुप, क्या बोलता है ग्रुप बोला जाता है, ना कि इंडस्ट्री बोला जाए, क्या बोला जाएगा ग्रुप ऑफ द फर्म। मैंने कहा कि जैसे टेक्सटाइल की ग्रुप ऑफ द फर्म, ऐसे ही बोला जाता है, लिखा भी ऐसा ही जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली का मतलब क्या, फ्यू सेलर मैनी बायर्स, प्रोडक्ट क्या होंगे, क्लोज सब्सिट्यूट होंगे। अल्टो कार नहीं चाहिए तो ये ले लीजिए, है ना, एयरलाइंस है, अगर आप एयर इंडिया से नहीं जाना चाहते तो इससे चले जाओ, क्लोज सब्सिट्यूट आपके पास अवेलेबल होंगे। आगे समझ में, अब होगा क्या, इनके जो ग्रुप को बोलते हैं कार्टल, क्या बोलते हैं कार्टल। देखो मैंने अभी बताया आपको, अगर आपके पास है परफेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन है आपके पास, सिंगल फर्म को क्या बोला फर्म और ग्रुप को क्या बोला इंडस्ट्री। मोनोपोली का केस है, ये तो रहा आपका परफेक्ट कंपटीशन, आपका बात आई मोनोपोली की, तो मोनोपोली में क्या होता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि इसमें सप्लाई क्यों नहीं होता, इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, प्राइस टेकर होती है फर्म्स, इसमें मेकर भी होती है टेकर भी होती है, मोनोपोली। उसके बाद आपने पढ़ा क्या, मोनोपोलिस्टिक। जो मोनोपोलिस्टिक है यहां पर तो बोलोगे आप सिंगल को तो फर्म और यहां पर बोलोगे ग्रुप। फोर्थ आपने क्या पढ़ा, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है, यहां पर तो बोलोगे आप फर्म और यहां पर क्या बोलोगे कार्टल, कार्टल या कार्टल्स। ठीक है, आई समझ में, क्लियर हो गई। इसके अलावा आया आपका ड्यूपोली। ड्यूपोली क्या होती है, जहां पर किसी भी चीज के दो ही सेलर होते हैं, ओनली टू सेलर, किसी भी चीज के। अभी आपने एक चीज पढ़ी कि एक बायर है, एक सेलर है, मैनी बायर्स को बोला मोनोपोली। अब मैं उल्टा कर दूं, एक बायर है मैनी सेलर है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक सिर्फ बायर है बाकी सब सेलर है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मोनोस्पोनी। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोनी। मोनोस्पोनी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका वन बायर है और आपका मैनी सेलर है। बेसिक कंसेप्ट हुई क्लियर आपको सभी के बारे में। देखो मैंने इकट्ठा करके इसलिए लिखा था कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ सभी मार्केट स्ट्रक्चर्स को। समझ में आया भाई, मोनोस्पोनी आप बता पाओगे, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली और ड्यूपोली में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, उसमें दो है उसमें फ्यू है, और फ्यू में आप पांच कह लो छह कह लो आठ कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनोपोलिस्टिक में आपने देखा क्या फर्क हो रहा है कि वहां पर दोनों का हुआ है, उसको उस वर्ड को बोलना फ्यूजन, याद रखना भूल मत जाना दोनों के कम्बिनेशन को। ठीक है, एंड देन आपने क्या पढ़ा, परफेक्ट में आपका होमोजीनियस होता है, सप्लाई का किस में नहीं होता, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है ना आपके, सप्लाई का किस में नहीं आता आप बोल दो, सेलिंग कॉस्ट किस में नहीं आती, किस में नहीं आती, परफेक्ट में नहीं आती। अब आपसे पूछा जाए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किस किस में होती, तो मोनोपोलिस्टिक में भी होती है और आपकी ओलिगोपोली में। अब देखो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप, देखते हो ना, एयरलाइंस की देखते हो, टीवी की देखते हो, कार की देखते हो, ये सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, है ना, देखा है ना आपने। तो ये सब क्या, मोनोपोलिस्टिक भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, सेलिंग कॉस्ट बियर करेगा, और आपका ओलिगोपोली भी आपके सेलिंग कॉस्ट बियर करेगा। आई समझ में भाई आपको, ठीक है, मोनोस्पोनी क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। आगे देखिए भाई आपका, अब परफेक्ट को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, मैंने सारा एक बार आपको क्लियर करा दिया। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट के मैनी बायर और मैनी सेलर होते हैं,
फर्म ओनली अपना आउटपुट डिसाइड कर सकती है। देखो क्या लिखा है, प्राइस टेकर है और अपना आउटपुट डिसाइड कर सकती है। ये देखो कोई भी फर्म प्राइस में चेंज करके मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, नहीं कर सकती क्यों? थोड़ा बढ़ाया जीरो पे ले आया, थोड़ा कम किया आपको लॉस हो गया, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो फर्म जो गिवन प्राइस है ना उस पर जितना भी प्रोडक्शन चाहिए, जितना भी आउटपुट बेचना है वो बेच सकते हो आप। आगे समझ में? अब इसकी देखो फीचर्स है, कुछ 8 फीचर्स है जिसमें से 2 कम करेंगे कुछ नया निकल के आ जाएगा। क्या है 8 फीचर्स में क्या है आपके पास? फर्स्ट आई आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, कोई डाउट? नो डाउट। होमोजेनियस प्रोडक्ट, यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर कोई फर्म कभी भी आए वो मतलब अपना जो भी आउटपुट ले, कोई भी मतलब कितना भी ले, कैसे भी कर सकती है, अपना डिसीजन ले सकती है, इंडिपेंडेंट है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कभी आओ कभी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, सेलिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। और परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट मोबिलिटी है। परफेक्ट नॉलेज का मतलब है मैं कुछ मतलब मार्केट है उसके बारे में सबको, सारे कस्टमर को सब कुछ पता है, सब सेलर को सब कुछ पता है। और मोबिलिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब परफेक्टली मोबिलिटी है, ठीक है। अब इन 8 में से अगर इन 2 को कम कर दो आप, परफेक्ट नॉलेज और ये 2 तो होते ही नहीं है ना, परफेक्ट नॉलेज किसी को नहीं होती ना ही मोबिलिटी होती, इन दोनों को कम कर दो तो आपका आ गया प्योर कंपटीशन। क्या आ गया आपके पास? प्योर कंपटीशन, ठीक है। इसको माइनस कर दो, और ये किसने दी? चैम्बरलिन ने, ठीक है। किसने दी? चैम्बरलिन ने आपकी ये दी, ठीक है। ओके प्राइस कंपटीशन, ठीक है, प्योर कंपटीशन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब बात आई कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, किसमें आपका परफेक्ट कंपटीशन का। देखिए ध्यान से देखिए, किसी भी फर्म का देखो, कोई भी फर्म इंडिविजुअल अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक चीज़ का राइट है, आउटपुट का, प्राइस का तो आउटपुट ही नहीं होता। तो क्या पर बनेगी? जहाँ पर भी इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगी, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। देखो कैसे, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? अभी ना प्राइस ज़्यादा है, 30 है, डिमांड आपकी 1000 है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है 300। देखो डिमांड ज़्यादा है तीन, इससे बताओ प्राइसेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे? कम होंगे, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, सप्लाई कम है डिमांड से, सप्लाई कम है किससे? डिमांड से, प्राइस ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि अभी 1000 आदमी डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ के। ये देखो अब प्राइस बढ़ के 40 हो गए, क्वांटिटी डिमांड हो गई 80, प्राइस बढ़ते कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। इधर आपके लोग जो और जो सप्लाई नहीं कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वो सप्लाई कर देंगे, 400 हो गए। फिर आपके प्राइसेस बढ़ के और अभी तक अभी भी मतलब बराबर नहीं हुआ है। फिर एक टाइम आया जहाँ पर प्राइसेस 50 हो गए और फिर आपके आ गए 600 डिमांड, और इधर भी आपकी सप्लाई कितनी होगी? 600, बराबर हो गया सब कुछ। और यहाँ पर देखो प्राइस बढ़ाने से ये कम होगी, ये बढ़ गई, तो मतलब यहाँ ना तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एक दूसरे की इक्वल हो गया, वहीं आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने ये चीज़ देखी वहाँ पे कि आपकी जो सप्लाई थी वो भी 600 की थी और आपकी डिमांड थी वो भी कितने की थी? 600 की, ये वाला पॉइंट, ठीक। कहाँ बढ़ कहाँ कम होना चाहिए था? दोनों से कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ कैसे करना है। हाँ प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है आपको पता है डिमांड पे। ये देखो ये पर तो यही तो दिखा रखा है। ये देखो हुआ क्या है, हुआ है 30 से 40 प्राइस हुए, लो डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम होगी, तो ये आपका इंक्रीज दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है आपका? कम दिखा रहा है, लो डिमांड तो लग तो रहा है। और सप्लाई और प्राइसेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इधर देखो प्राइसेस बढ़े, सप्लाई भी बढ़ रही है, इधर प्राइसेस और बढ़ गए, ये और कम हो गई, ये और बढ़ गई। और इधर देखो 50 से 60 पे आया
तो ये आपकी और कम हो गई आपकी, और ये पूरी और मतलब और बढ़ गई आपके पास। प्राइसेस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस या सप्लाई ऑफ द गुड्स। और जब नेगेटिव रिलेशनशिप आपको पता ही है किसमें होता है, लो ऑफ डिमांड कहते हैं, तो यही तो आपको दिखा रहा है, और इसलिए आपका जो बनेगा वो आपका ये बनेगा आपका सप्लाई। हाँ बिल्कुल है, लो ऑफ सप्लाई है, थ्योरी ऑफ सप्लाई है, पूरा का पूरा है, हाँ वो ये नेगेटिव में चलेगा, ठीक है। और ये देखो यहीं पर इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर सभी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, ये वाला पॉइंट। इसलिए आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी डिवाइड इक्वल टू एम आर, इतने पर कितना ही बेचो एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाना आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर इक्वल होते हैं, मैं बता चुका हूँ इसका रीजन भी, क्योंकि इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक है, स्ट्रेट लाइन दिखाएगा आपको, इलास्टिक है चीज़, थोड़ा सा भी चेंज किया आप गए काम से। टाइम एलिमेंट देखिए मार्शल ने एक्सप्लेन किया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बताना आप मेरे को, जितना होगा कम टाइम, बताओ सप्लाई हावी होगा या डिमांड, टाइम पीरियड कम है आपके पास, सप्लाई का इम्पैक्ट प्राइस पर ज़्यादा पड़ेगा या डिमांड का पड़ेगा, डिमांड का पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में हो, तीनों एग्ज़ाम देने हो, पेन भूला है आप घर से, और मेरे पास ये है, आपका एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला जस्ट 10 मिनट के बाद, मैं कह रहा हूँ बताइए कितना, तो आप कह रहे हो कि 10 रुपये, मुस्कान कह रही मैं पहले एग्ज़ाम दे देती, इसने बढ़ा दिए, इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा दे रही हूँ, फिर आप और लगा रहे हो, तो बताओ जितना कम टाइम हुआ उतना ही किसका फ़र्क पड़ेगा, डिमांड का, ठीक है। टाइम है ज़्यादा 10-20 दिन है, मैं कहता हूँ मैं तो क्या बोलते हैं इसको 50 रुपये लूँगा, आपको पता ही पेन 10 रुपये में आता है, मेरे से खरीदोगे आप, और आओ से ले आओगे, कहीं और से ले आओगे, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जितना कम टाइम पीरियड होगा उतनी डिमांड हावी हो जाएगी प्राइस पे, और जितनी ज़्यादा टाइम ज़्यादा होगा उतना ही सप्लाई हावी होगी प्राइस पे, ठीक है ना, आई समझ में। अगर लॉन्ग रन में सप्लाई हो रही है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, प्राइसेस कम रहेंगे, लॉन्ग रन में सप्लाई भी नहीं हो रही तो आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो ये क्या बताया आपका कि जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ही प्राइस पर डिमांड का इम्पैक्ट होगा, और जितना अधिक टाइम पीरियड होगा उतना ही सप्लाई का इफेक्ट प्राइस पर होगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड में देखिए कैसे कैसे होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, अभी जो मैंने बात की थी ना वो वेरी शॉर्ट पीरियड की थी, कैसे, एक ही पेन है भाई, यही मिल दे सकता हूँ मैं तो, मतलब अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक तक मैं आपको सप्लाई करूंगा, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। ये क्या लिखा आपके पास, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें किसी प्रोडक्ट की सप्लाई उसके एग्जिस्टिंग स्टॉक तक होगी, मेरे पास एक था तो मैंने एक ही सप्लाई किया, ठीक है। और इसमें जो प्राइसेस होता है ना वो कौन सा होता है, मार्केट प्राइस होता है, जो मार्केट मतलब डिमांड जितनी होगी उतनी है, ठीक है, डिमांड का प्राइस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आया शॉर्ट पीरियड, अब इसमें क्या है, अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, आपने देखा होगा कि नया प्लांट नहीं लगाया था हमने लास्ट जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तक आप इंक्रीज कर सकते थे, ऐसे कुछ था। तो इसमें क्या होगा, आप अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तक अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो, इसमें सब नॉर्मल प्राइसेज आ जाएंगे, और इसमें भी क्योंकि अभी शॉर्ट रन है तो डिमांड का प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता रहेगा, लेकिन देखो सप्लाई बढ़ाई गई है, देखो ध्यान से देखिए इस केसेज में क्या था, इस केसेज में जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना, डिमांड कम है प्राइस कम होंगे, डिमांड बढ़ गई प्राइस बढ़ जाएंगे, और इसमें देखो सप्लाई बढ़ाई गई है, ध्यान से देखिए आप, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तक सप्लाई बढ़ा दी गई, ठीक है। और तीसरा है लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में तो आप जितना चाहो उतना कर लो, तो सप्लाई का प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो प्राइसेस होगी आपकी नॉर्मल प्राइस कहलाएगी, ठीक है, आई समझ में। और वेरी लॉन्ग रन में आप तो कुछ भी कर लो, इसमें तो सब कुछ है, सेकुलर प्राइसेस होती है सप्लाई का प्राइस पर, पहले दो में डिमांड का और दो में आपका सप्लाई का, आगे समझ में आपको कोई डाउट। सेकुलर मतलब होता है लॉन्ग टर्म का क्या ट्रेंड है, सेकुलर लंबा प्राइस जो आपका है, ठीक है, चक्रीय सेकुलर साइकलिकल इस तरीके से, ठीक है, ओके। वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर बात करें तो मार्केट प्राइस होता है, देखो आप ध्यान से देखिए, अगर आपका पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, अगर आज नहीं यूज किए जैसे दूध हो गया, बटर हो गया, ख़राब हो जाएंगे, तो उसकी देखो एक तो लोग अपनी एक लिमिटेड क्वांटिटी लेके आते हैं, ज़्यादा नहीं लेके आएंगे, मतलब उतनी ही, ये देखो आपको इतनी ही क्वांटिटी लेके आए,
आज उनको पता है कि 100 मिल के पैकेट लग रहे हैं तो 100 ही लेके आएगा वो हर दिन, तो ये सप्लाई कॉन्स्टेंट कर दी ना, वेरी शॉर्ट पीरियड की बात कर रहा हूँ। डिमांड बढ़ गई बढ़ जाएगा, कम हुई तो कम हो जाएगी। अब एक आए ड्यूरेबल गुड्स, ये तो पेरिशेबल के क्यों आया, ड्यूरेबल का मतलब लोग भाई थोड़ा ज़्यादा ले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ना गेहूँ होगा इकट्ठा करके रखते होंगे, और कोई चीज़ें भाई काम आ जाएगी बाद में, आलू जैसे होता है आलू कुछ दिन और चल जाता है तो 5 किलो ले आते हैं, प्याज हो गई ऑनियंस हो गई इस तरीके से लेके आते हो ना, तो इसकी ये देखो सप्लाई, ये भी देखो वेरी शॉर्ट पीरियड है, एक लिमिट तक ही आप बढ़ा सकते हो। किसी के घर में कोई प्रोग्राम था, बोला कुछ आपके ऑनियंस पड़ी है क्या, बोला मेरे पास ही 2-3 किलो पड़ी है, तो आप 2-3 किलो तक ही दे सकते थे, ठीक बात है ना। ये वाली चीज़ आ गई, ये पहले डिमांड ये थी है ना, और ये फिर कॉन्स्टेंट होगी, सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, आगे समझ में, इस लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, इसके अलावा नहीं बढ़ा सकते ड्यूरेबल के केसेस में। ये कॉन्स्टेंट हो गई, ऊपर जाके देखो सीधा हो गया है, ड्यूरेबल आपका चल जाएगा, उसमें तो इतनी ही क्वांटिटी लेके आए आप जितनी डिमांड है, इसमें क्या है आप थोड़ी ज़्यादा रखते हो, मैंने क्या कि आपके घर में आलू क्या उतना ही लेके आते हो जितना आपको डेली की रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं होता ना, कुछ फालतू पड़ा हो जाता है, और जो सब्जी है टमाटर हो गए, टमाटर भी कुछ दिन चल जाते हैं तो आप ज़्यादा ले आते हो, जो सब्जी जल्दी ख़राब होती है दूध हो गया, दूध आप डेली का डेली क्यों लेते हो, 5 दिन का तो नहीं लेते ना, क्या 10 दिन का दूध दे जाओ, जल्दी ख़राब हो रहा है इसलिए वो 1 किलो ही दूध मिलेगा आपके घर में, 2 किलो जो भी है, ठीक है आई वो समझ में, ठीक है। और ओके कल हम बात करेंगे इसकी किसकी